दोस्तों, एक लेडीज को माँ बनने का समय सबसे सुखद अनुभव होता है जब वो एक नए जीवन को जन्म देने वाली होती है। यह वो समय होता है जो हर तरह का अपना ख्याल रखना होता है। गर्भवती महिला के लिए ये जानना अति आवश्यक होता है कि इन त्योहारों को कैसे मनाएं। गर्भवती महिला को होली जैसी त्यौहार में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके शरीर में एक नहीं बल्कि दो जान है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि होली में प्रेग्नेंट महिला को क्या नहीं करना चाहिए और कैसे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी का पहला तिमाही से ज़्यादा चल रहा है तो आप नाचने गाने से बचें, यानी कि उछल कूद करने से बचें। कोई भी जबरदस्ती नाचने को कहे तो आप साफ मना कर दें। एक खास बात दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके परिवार में कोई नहीं जानता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप ऐसे शुभ अवसर पर अपने गर्भवती होने की खबर उन सबको दे सकते हैं, जिससे खुशी दोगुनी हो जाए। होली में करीब सभी घरों में पकवान, मिठाई एवं विभिन्न प्रकार का भोजन बनता है। इस स्थिति में आप इन सब का सेवन कम मात्रा में करें। अगर यह भोजन करते हैं तो आप गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। आप होली में अपने शरीर का खास ख्याल रखें, उपवास न करें यानी कि भूखी ना रहें। अक्सर महिला त्योहारों पर भोजन करना भूल जाती है, ठीक से पानी नहीं पीती है। ऐसा ना करें, आप ठीक तरह से खाना खाएं और 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, क्योंकि अब गर्मी का मौसम भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, होली में काफ़ी रिश्तेदार भी आते हैं, भीड़ भाड़ भी होता है और काफ़ी शोरगुल भी होता है। ऐसे में आपको और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को काफ़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा हल्ला हो रहा हो तो वहाँ से हट जाएं। सिर्फ अपने कुछ परिवार के साथ ही मनाएं। होली में रंग ना खेलें, हाँ थोड़ी बहुत गुलाल खेल सकते हैं। और आप ज़्यादा उछल कूद ना करें, जोर जबरदस्ती ना करें। अपने शरीर में सरसों तेल या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, इससे रंग गुलाल जल्दी निकल जाता है। होली के शुभ अवसर पर आप सज धज कर रहें, अच्छी तरह से पूजा पाठ करें और अच्छे अच्छे कपड़े पहनें। ऐसे में आपका शिशु भी अच्छा फील करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्त व सहेलियों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।